दिल चाहता है। भाभी, भाभी, भाभी कुछ बोलिए ना। भाभी, 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 oh God, somebody help me, somebody help me, भाभी, भाभी कुछ बोलिए ना, भाभी। एम्बुलेंस सर्विस। हेलो भाई साहब, मेरी भाभी की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कुछ खा लिया है, वो बेहोश पड़ी है। पता बोलिए। पता? हाँ पता बोलिए। फोर्थ क्रॉस लेन, बंगलो नंबर 4, बांद्रा वेस्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूलिया। सर, आपकी छोटी सिस्टर का काफ़ी बार फ़ोन आ चुका है सर। रागिनी का फ़ोन यहाँ ऑफिस में? जी सर, शायद आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया सर। मेरी वाइफ का एक्सीडेंट? सर मुझे कुछ डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन आपको फ़ौरन हिंदूजा हॉस्पिटल पहुँचने के लिए कहा है। भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। भाभी प्लीज, भाभी डोंट वरी, प्लीज भाभी हम हॉस्पिटल आ गए। भाभी ने ऐसा क्यों किया अभिमन्यु? क्यों? सब पता चलेगा ना। पहले तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो। I'm very confused. देखो, हम लोग यहाँ पर आ गए ना, हाँ डॉक्टर्स भी आ गए, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, सब ठीक हो जाएगा। Excuse me, सुसाइड वाले पेशेंट के साथ आप हैं? Yes डॉक्टर। देखिए हमने क्लीनिंग शुरू कर दिया है, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहाँ एक पुलिस काउंटर है, वहाँ रिपोर्ट लॉन्च कीजिए। पुलिस? लेकिन जरूरी है। देखिए आप देर मत कीजिए, हमने इंसानियत के नाते इलाज तो शुरू कर दिया है, लेकिन लॉजिंग ऑफ पुलिस कंप्लेंट इज मस्ट। डॉक्टर, भाभी, भाभी कैसी है? कांट सी, शी इज स्टिल क्रिटिकल। मैं भी नीचे जाके आता हूँ। रागिनी भैया कहाँ है शिवानी? उन्हें डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं। इंटेस्टाइन का क्लीनिंग चल रहा है। इंटेस्टाइन्स की क्लीनिंग मतलब? भैया भाभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? हम बिना बताए ऑफिस चले गए तो मुझे लगा आपको और भाभी का झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं भाभी के कमरे तक गई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने नहीं खोला। तुम रागिनी आराम से बोलो। मैंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने नहीं खोला तो मैंने डुप्लीकेट चाबियों से कमरा खोल दिया और देखा कि भाभी ने कुछ गोलियां खा ली थी। वो बेहोश पड़ी थी। करण वर्मा कौन है? करण वर्मा ये करण वर्मा। भैया पुलिस क्यों आई? डॉक्टर्स ने कहा था कंप्लेन लिखवाना जरूरी है, इसलिए मैंने अभिमन्यु को भेजा था कंप्लेन लिखवाने। अब वो खुशबू को देखने घर गया है। घर पर भी तो कोई नहीं है। मिस्टर करण वर्मा जी, सुसाइड वाला केस आपकी वाइफ का है? जी हाँ। आपका स्टेटमेंट लेना है मुझे। आइए चलिए। खुशबू, 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 खुशबू। मिस्टर करण वर्मा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल। आपकी वाइफ का किसी के साथ कोई लफड़ा? जी, मेरा मतलब है आपकी वाइफ का किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? जी नहीं। बच्चे हैं कि नहीं? एक बेटी है। कितने साल की? 8 साल की। एड्रेस क्या है आपका? बंगला नंबर 4, 4th Cross Lane, बांद्रा वेस्ट। ओके। आपकी वाइफ ने जो सुसाइड करने की कोशिश की, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मैं घर पर नहीं था जब बात डॉक्टर मैं शिवानी का पति हूँ। हाउ इज शी नाउ? शी इज फाइन, और उसे आराम की जरूरत है। एंड नाउ यू टेक केयर ऑफ हर। यस डॉक्टर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। How is Shivani? She's fine now. उसके माता पिता कहाँ हैं? जी वो पूना में रहते हैं। उनका कोई नंबर तो होगा? जी देखिए, मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगा। काफ़ी उम्र हो गई है उनकी। आप फ़ोन करेंगे तो घबरा जाएंगे। लेकिन आप उनका नंबर तो मुझे दीजिए। 0212469382 0212469382। खुशबू कहाँ है? बस तो आकर चले गई, लेकिन खुशबू घर पर पहुंची नहीं है। क्या? हाँ, और मुझे स्कूल का पता भी नहीं था, वरना मैं वहां भी होकर आता। Oh God, मैं भैया को बताती हूँ। भैया, भैया, खुशबू घर पर नहीं पहुंची। क्या? हाँ, आपके पास स्कूल का नंबर है? नहीं, स्कूल का नंबर तो नहीं है मेरे पास। मैं स्कूल चला जाता हूँ। हाँ राधिका बोलो। मैं तुम्हारे घर पर गई थी। मेरे घर क्यों? शिवानी ने मुझे फ़ोन किया था, मैं उससे मिलने गई थी। वो बहुत डिस्टर्ब थी। जब वहाँ पहुँची तो खुशबू मुझे वहाँ मिली, अकेले दरवाजे पर बैठी थी। खुशबू तुम्हारे साथ है? हाँ, हम पास के एक रेस्टोरेंट में हैं। थैंक गॉड राधिका। तुम खुशबू को लेकर अपने घर चली जाना। क्यों? राधिका, खुशबू को बताना नहीं, लेकिन शिवानी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। क्या? मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ। शी सेफ, लेकिन पुलिस केस बन गया है। माय गॉड। देखो राधिका, तुम खुशबू का ख्याल रखना। मैं उसे वहां से ले जाऊंगा। वो ठीक तो है ना करण? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। बेटा, तुम्हारी मम्मी को आने में देर होगी, तब तक तुम मेरे साथ रहना। आप रो क्यों रही हो? मैं रो थोड़ी रही हूँ। बेटा। Yes. क्या बात है बेटा? आंटी प्लीज बताइए ना कि मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। आज पहली बार मम्मी मुझे बस स्टॉप पर लेने नहीं आई। बेटा, मामा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आई। तबीयत खराब हो गई? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। दांतों में दर्द था? नहीं, यहाँ पे दर्द हुआ, लेकिन वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। डैडी है ना उनके साथ, डैडी उनको घर लेकर आएंगे। मुझे मम्मी से बातें करनी है। मम्मा आराम कर रही है इस वक्त, अभी नहीं, ठीक है? ओके। अब तुम जल्दी से नहा लो। मैं तुम्हें अपनी एक टी शर्ट देती हूँ, वो पहन लेना। आपकी टी शर्ट? वो थोड़ी ना मुझे फिट होगी। फिट तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे लिए नाइटी जरूर बन जाएगी ना। चलेगा? चलो। भाभी, भैया आ गए। मैं अभिमन्यु को जूस लाने को बोलती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया शिवानी? तुमने ऐसा करके मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। क्यों? तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। हाँ शिवानी, मैं मानता हूं मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। मैंने सच्चाई छुपाने की कोशिश नहीं की। राधिका, राधिका से प्यार करते हो तुम। मैं समझाऊंगा तुम्हें शिवानी। क्या क्या समझाओगे मुझे? हाँ, क्या समझाओगे तुम मुझे? मिस्टर, रिपोर्ट तुमने ही लिखाई थी ना? जी सर। वो लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? जी, ये मेरा दोस्त है। ओ, तुम कौन हो? करण मेरे बड़े भैया हैं। ओ यस, उस दिन बेडरूम का दरवाजा सबसे पहले तुमने ही खोला था। जी। ये लड़का कहाँ था तब? रागिनी ने मुझे फोन किया था। रागिनी बोले थे? मेरा नाम है। ओह सर, उस वक्त रागिनी घर पर अकेली थी, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच गया। वो सब तो मैं समझ गया। इधर आओ। मुझे एक बात सच सच बताओ, इसके भाई का किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? बेटा, तुम किसको फोन कर रही हो? पापा को। हाँ बेटा। मम्मी की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है बेटा। तुमने खाना खाया? हाँ पापा, हम लोग तो। खुशबू का फोन है, मुझे दो प्लीज। खुशबू बेटा, कैसी हो तुम? मम्मी मम्मी आप कैसे हो मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटे। मम्मी आपका दर्द कैसा है? दर्द थोड़ा सा है बेटे। मम्मी आप घर आ जाओ, मैं आपका दर्द ठीक कर दूंगी। हाँ बेटे, आऊंगी। मम्मी आप रो रही हो? नहीं नहीं बेटे। अच्छा बताओ मम्मी को तुम क्या कर रही हो? इसके साथ हो तुम? मैं राधिका आंटी के साथ हूँ। हेलो बेटा, वो आंटी को देना। हाँ पापा। हाँ? खुशबू का ख्याल रखना प्लीज। खुशबू राधिका के पास है।